हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीट रसोई। आज मैं आपको सोयाबीन का टोफू पनीर बनाना सिखाती हूँ। ये सोयाबीन है, मैंने 100 ग्राम सोयाबीन लिए, तो ये इसको हम भिगो देंगे। इसको 3 से 4 घंटे भिगो देंगे। ये भिगोने के बाद में ऐसी हो जाती है, ये देखिए, ये भीग चुकी है। 3 से 4 घंटे के लिए भीग चुकी है। अब हम इसको धो लेंगे और इसका जो ये छिलका है ये उतार लेंगे। इसको अच्छे पानी से हम 3-4 बार वॉश कर लेंगे। ये देखिए, ये भीग चुकी है मेरी सोयाबीन, अब इसको धो लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में पीसूंगी। ये धोने के बाद में ये देखिए अच्छे से हो गई है। इसकी चिकनाई चिकना जो छिलका है, यदि वो नहीं उतरा है तो उसको अच्छे से निकाल लो और इसको अब जार में डाल देंगे। और इसको बारीक होने तक मैं इसको जार में पीसूंगी। अब इसमें मैं 3 गिलास पानी डालूंगी, 3 से 4 आप डाल सकते हो। 3 गिलास में पानी डालूंगी और इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। ये ग्राइंड हो चुका है, देखिए बिल्कुल दूध जैसा लग रहा है। अब इसको दूध को हम छान लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे छलनी ली है और छलनी के ऊपर एक कॉटन का कपड़ा डाला है। उस कपड़े से इस दूध को अच्छे से पकड़ के छान लेंगे। कपड़े से छानने से यह है कि अपना जो दूध रह जाएगा और जो सोयाबीन का जो भी है बचा हुआ वो अंदर ही रह जाएगा। ये देखिए, मेरी जैसे आपको भी ऐसे छानना, जैसे आपको सारा दूध मिल जाएगा और जो सोयाबीन है वो इस कपड़े के अंदर रह जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा निचोड़ चुका है कपड़ा, ये देखिए। और ये मुझे अच्छे से दूध मिल चुका है और ये पनीर मार्केट के पनीर से अच्छा भी है और सस्ता भी है। ये 10 रुपये में खूब सारा पनीर बन जाएगा आपका और ये बनाने के बाद में टेस्टी भी लगेगा। अब तो मैंने ये दूध चढ़ा दिया गैस पे और मैं इसको कंटिन्यूस हिलाती जाऊंगी, क्योंकि ये नीचे भगोने में चैटने का रहता है इसका। तो मुझे इसको जब तक ये दूध अच्छे से उबल नहीं जाए, जब तक मुझे इसको हिलाते हुए रहना है। और फ्रेंड, इसके जो ये झाग आते हैं, ये झाग हमें हटाते जाना है कि ये जैसे जैसे उबलेगा जैसे जैसे इसके झाग आते जाएंगे और ये हटाएंगे, क्योंकि झाग हटाने से इसका जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गपन है, जो कड़वापन आता है इसमें एक, वो हट जाएगा और अपना दूध और पनीर दोनों में अच्छा टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए, इसको ऐसे हिलाते रहना है ताकि ये अपना नीचे ना चैटे। एक इसमें उबाल आ जाएगा, जब तक नहीं उबाल आया जब तक इसको हमें हिलाते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बार बार झाग आते जा रहे हैं और ये झाग हमें हटाने हैं ताकि इससे कड़वापन और उसका जो स्ट्रॉन्ग एक टेस्ट आता है, वो स्मेल आती है इसमें स्ट्रॉन्ग, वो हट जाएगा। ये देखिए, इसमें मेरा उबाल आ चुका है और ये मैं झाग हटाती जा रही हूँ, क्योंकि इसमें झाग बार बार आ रहे हैं। जब तक ये झाग आ रहे हैं जब तक आप हटाते जाओ, क्योंकि झाग हटाने से टेस्ट ही बनेगा। ये देखिए, ये मेरा इसमें उबाल आ चुका है। जब तक ये झाग हट जाएंगे उसके बाद इसमें हम नींबू या टाटरी से इसको फाड़ लेंगे। ये हो चुका है मेरा दूध गर्म। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट थोड़ा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद में इसको हम नींबू या टाटरी से फाड़ लेंगे। अब ये दूध हो चुका है, अब इसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने के बाद इसको फाड़ेंगे। गर्म गर्म इसको नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि गर्म गर्म में फाड़ने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये मेरा दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है, अब मैं इसमें नींबू डाल के इसको फाड़ूंगी। फ्रेंड्स, ये गर्म दूध में फाड़ते हैं तो टोफू सख्त हो जाता है। हमें सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर बनाना है, इसलिए हमें अब इसमें ये नींबू का डालूंगी और आप इसमें और इसको हिलाते जाना है, इसको रोकना नहीं है। मैंने ये नींबू डाल दिया है और अब मैं इसको देखो हिलाते जाऊँगी और ये अभी फट जाएगा। इसमें आप टार्ट्रिक भी डाल सकते हो और नींबू से भी फाड़ सकते हो। देखिए, धीरे 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 ये फटने लग गया, देखो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फटने लग गया है। हम इसको उसी कपड़े में छान लेंगे जिसमें सोयाबीन का दूध छाना था हमें। देखिए, ये मैंने कपड़े में डाल लिया है और अब मैं इसको पानी पूरा निकाल दिया है, पनीर ऊपर रह गया है। अब मैं इसको कपड़े में बांध दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको बांध दिया है और इसका मैं पूरा पानी निकाल चुकी हूँ। अब इसको पूरा पानी निकल चुका है, अब इसको भारी चीज़ के नीचे दबा देंगे जिससे अपना पनीर बन के तैयार हो जाएगा।
फ्रेंड्स, ये अब मेरा टोफू पनीर तैयार हो चुका है, ये देखिए, क्योंकि मैंने इसको इसी पट्टे के नीचे दबा के और भारी वेट का वो रख दिया था, इससे ये अच्छे से देखिए आपके सामने ये अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए मेरा पनीर तैयार है, कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये हेल्दी भी है और मार्केट के पनीर से टेस्टी भी है ये, तो आप इसको ज़रूर बनाइए। ये देखिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट पनीर बना है, ये देखिए फ्रेंड्स।